Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the demand of Priyanka Roy, B.Sc first year ka honors ka aur B.Sc ka trigonometry ka question hai, jisme main separate karna real aur imaginary part ko sec alpha plus I beta ko. Sec alpha plus I beta ko real aur imaginary part mein separate karna hai. To sabse pehle hum sec alpha plus I beta ko कन्वर्ट करेंगे कॉस के फार्मूले में. यहाँ पर डिनोमिनेटर में आई को हटाने के लिए इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे अगले स्टेप में. तो इसका कंजुगेट निकालना हो तो बस आई के साइन को चेंज करेंगे, जितनी बार भी आई होगा एक ही बार है यहाँ पर. तो उसके बाद यहाँ डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई करने के लिए टू का ऊपर नीचे इंटू कर दें. यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी टू कॉस ए, कॉस इसे बी मान लेंगे, इसमें दोनों ही कॉस आएंगे, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. इसे आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्कुलर फंक्शन की. न्यूमरेटर में तो टू का वन में इंटू हो गया टू और कॉस अल्फा माइनस आई बीटा. यहाँ पर भी हम लोग आगे चल के कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे. फिलहाल अभी इस आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई करने पर डिनोमिनेटर में दोनों कॉस आएंगे, पहले एंगल ऐड हो जाएंगे, यानी कॉस एंगल अल्फा प्लस आई बीटा एक है और दूसरा है अल्फा माइनस आई बीटा. माइनस सॉरी प्लस है कॉस, तब की बार में एंगल माइनस करना है अल्फा प्लस आई बीटा में से अल्फा माइनस आई बीटा को माइनस करना है. फिर नेक्स्ट में हम अगले स्टेप में यहां पर कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, जिसमें आता है कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी. ये आइडेंटिटी न्यूमरेटर में अप्लाई करेंगे, टू बाहर रखा रहने दें इसको, और कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो कॉस ए कॉस बी, बी मतलब आई बीटा है, माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी आई बीटा. अब बाद में कॉस ये छोटे एंगल ब्रैकेट को खोल देंगे और बड़े वाले को जो स्क्वायर ब्रैकेट है ऐसे पैरेंथेसिस में कन्वर्ट कर देंगे. तो अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस अल्फा और प्लस का आई बीटा हो जाएगा. प्लस कॉस है फिर सिमिलरली है, इसको पैरेंथेसिस में चेंज कर दिया, अंडर ब्रैकेट हटा दिए, प्लस अगर पहले है तो ऐसे ही आ जाएगा और ब्रैकेट से पहले माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे और फिर जो प्लस माइनस हो उनको कैंसिल कर देंगे. तो सेकंड वाले माइनस था, इस वाले में प्लस था, तो प्लस होने की वजह से ये वाला अल्फा प्लस होगा, ये आई बीटा माइनस था तो माइनस ही रहेगा. तो इसमें आई बीटा कैंसिल होगा, यहाँ पर फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले प्लस और फिर माइनस, यहाँ पर प्लस और फिर माइनस था तो साइन चेंज होने पर इससे पहले इस ब्रैकेट से पहले माइनस था, अंदर का साइन चेंज हो गया, इससे पहले प्लस है तो जैसा है एज इट रहेगा. ये आई बीटा प्लस माइनस कैंसिल, तो जो बचेगा उसको लिखेंगे टू कॉस अल्फा और यहाँ पर आइडेंटिटी एक लग जाएगी, छोटी सी आइडेंटिटी है कॉस आई जेड का फार्मूला होता है कॉस हाइपरबोलिक जेड, आई हाइपरबोलिक बदल गया और ये अगर साइन के साथ है तो आई बाहर भी आएगा और ये साइन हाइपरबोलिक जेड में भी कन्वर्ट होगा. नहीं ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू, इसमें आई बाहर आ जाएगा और ये साइन हाइपरबोलिक बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा. कॉस टू टाइम्स अल्फा हो जाएंगे प्लस कॉस टू टाइम्स आई बीटा हो जाएंगे. आई हट के कॉस में हम लोग जानते हैं हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसमें इस फार्मूले को आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा टू को चार बंदे इंटू कर दें
2 cos alpha into cos hyperbolic beta plus I को शुरू में लिख दें I into 2 sin alpha into sin hyperbolic beta cos 2 alpha plus I हटते ही ये hyperbolic में बदल गया, इस तरीके से real हो गया, नीचे denominator में real है और यहाँ पर real और image separate है, तो completely इसे separate करके लिख सकते हैं 2 cos A cos hyperbolic beta अपान में हो जाएगा cos 2 alpha plus cos hyperbolic 2 beta plus I into 2 sin alpha into sin hyperbolic beta अपान में cos 2 alpha plus cos hyperbolic 2 beta इस तरीके से ये real और images part में separate हो गया. Thank you very much indeed for watching us.